इसको बताते हुए हम बताएंगे आज जो हमारी चर्चा होनी है मेन प्री रिक्विजिट्स ऑफ रीडिंग पे चर्चा करेंगे यानी रीडिंग के लिए हमारी पूर्व क्या आवश्यकता है तो ये पार्ट है बी एड स्पेशल एजुकेशन का पेपर का नाम है करिकुलम डिजाइनिंग एडॉप्टेशन एंड इवैल्यूएशन फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आज का हमारा लेक्चर टॉपिक पे हम चलते हैं हमारा है रीडिंग स्किल तो रीडिंग स्किल पे जो मेन है हमारा रीडिंग सबसे पहले अगर हम समझना चाहेंगे कि रीडिंग क्या है वाचन क्या है तो वाचन जैसे हम लोग कर रहे हैं ये भी वाचन है बोल रहे हैं लेकिन ये क्या है वाचन क्या है जब हम वाचन उसको संज्ञा देखे हैं कि यानी मोस्टली क्या कहेंगे रीडिंग इज अ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट टेक्स्ट यानी क्या लिटर टेक्स्ट जो रिटेन प्रिंटेड फॉर्म में है जो हम आप लोग पढ़ते हैं चाहे पेपर पढ़ रहे हैं चाहे अपना कंटेंट का पढ़ रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं तो क्या है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट यानी हम उसकी समझ को कॉम्प्रिहेंशन करते हैं जो हम पढ़ते हैं उसकी कॉम्प्रिहेंड करते हैं लेकिन आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्री रिक्विजिट्स ऑफिस ये हमारा आज का मेन टॉपिक है प्री ऑफ रीडिंग यानी रीडिंग के लिए हमें सब क्या क्या चीजें आवश्यक हैं किसके जिसके बगैर हम वाचन करना हमारे लिए संभव नहीं है या कठिन है तो सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट करते हैं तो एक है सबसे पहला जो मेन है वो है नॉलेज ऑफ सिंबल्स सिंबल क्या प्रतीक हम आप कर रहे हैं सिंबल्स क्या है हमारे सिंबल है यानी जो हमारा अल्फाबेट है चाहे वो क, ख, ग को, को मान लो चाहे ए बी सी अल्फाबेट्स। इसका नॉलेज अगर हमारे पास नहीं है तो वाचन करना पॉसिबल नहीं होगा यानी सबसे मेन जो इसकी पूर्व आवश्यकता है वो है नॉलेज ऑफ सिंबल्स प्रिंटेड फॉर्म में होता है हम आप जान रहे हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में इन्हीं सब प्रतीकों का इन्हीं सब सिंबलों का चिन्हों का जो हमारा जहा है इंग्लिश भाषा है तो ये है हिंदी भाषा है तो क ग और अलग अलग तमाम भाषाओं के अलग अलग प्रिंट फॉर्म होते हैं यानी जो भी भाषा के हम वाचन करना चाह रहे हैं उस भाषा के सिम्बल्स की पहचान होना नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ प्रोनाशिएशन ability ability to understand ability to understand the symbols यानी इसकी समझ मेन क्या होगा वो होगा pronunciation प्रोनन्शिएशन क्या है प्रोनन्शिएसन ही हमारा रीडिंग से मिला है प्रोनन्शिएशन क्या जब हमें इसकी समझ होगी तभी हम किसी भी शब्द का उच्चारण कर पाते हैं शब्द क्या है जब हम इसके फॉर्म में जाते हैं तो उसके भाषा के अलग अलग फॉर्म में हम यहाँ पे विस्तार नहीं करना चाहते लेकिन फॉर्म क्या है फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज क्या होता है वो जानना जरूरी है जो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा ये सिंबल्स क्या है हमारे क्या हैं ये जैसे फोनिम्स uh, होता है ये हमारा फोनीम मॉर्फिम सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स ये पाँच हमारे स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज होते हैं तो ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है फोनिम्स का यानी एक साउंड स्पीच साउंड तो यहाँ पे उस साउंड का प्रोनंसिएशन होना और जब हम इसकी प्रोनंसिएशन की बात शब्दों में जाते हैं तब वो हो जाता है आ, फोनीम मार्फिम्स पे आता है जहाँ पे शब्द होते हैं तो हम ये मार्फिम यानी क्या है तमाम शब्द जो आ, टेक्स्ट के रूप में आते हैं जब हम सीमेंटी या उसमें फॉर्म में जाते हैं सिंटेक्स फॉर्म में जाते हैं तो हमें वहाँ नहीं जाना है हमारा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सिम्बल्स यानी प्रोनन्शिएशन मेन क्या है प्रोनन्शिएशन उसका उच्चारण करना अगर हमें आता है तभी हम वाचन कर पाएंगे नेक्स्ट इसका है एबिलिटी टू विजुअली डिस्क्रिमिनेशन विजुअली विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ है कि प्रत्यक्षीकरण जैसे हम कर रहे हैं सपोज अग, अगर एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं इसको नीचे रिमूव करेंगे आप नोटिस करते जाइए या नोट करते जाइए अपने फॉर्म में एग्जाम्पल के रूप में अगर हम भी इज गोइंग कर रहे हैं ये एक पूरी तरह से एक कंप्लीट सेंटेंस है विजुअली डिस्क्रिमिनेशन क्या है इसको समझते हैं विजुअली डिस्क्रिमिनेशन है कि ये H, e, अगर हम इसको अलग अलग कर दें ये मीनिंगफुल नहीं होगा इज भी है अलग अलग गोइंग है अब हमें ये समझना है कि विजुअली डिस्क्रिमिनेशन यानी ये और ये एक साथ है ये और ये एक साथ है ये और ये एक साथ है ये हम विजुअली डिस्क्रिमिनेट अगर करें अगर कॉम्प्रिहेंशन जैसे हमने बताया पहले भाषा इसके शब्दों की समझ होनी चाहिए ये इसी पे डिपेंड करेगा विजुअली डिस्क्रिमिनेट तभी हम कर पाएंगे जब हम सिंबलों को समझ हमारे प्रतीकों के समझ यानी प्रतीक क्या हमारे जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी समझ जब होगी तब हम इन चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि ये इसके साथ कितना जगह होना चाहिए हम इसके साथ एच ई को हम एक साथ पढ़ेंगे को हम एक साथ देखेंगे और गोइंग को एक साथ देखेंगे अब ये हम अगर यहां को अलग कर दें ई e और आई को एक साथ कर दें तो एस को जी के साथ जोड़ दें आई एन जी यहां कर देते हैं ये क्या होगा एक रॉन्ग फॉर्म में आ जाएगा हम अगर ऐसे इस तरीके से पढ़ना चालू करेंगे तो ये पूरी तरह से गलत होगा ये वाचन के लिए जरूरी है कि हम विजुअली डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि शब्द किस शब्द के साथ कौन सा मतलब ये जो अक्षर हैं अल्फाबेट हैं ये कैसे कैसे जुड़ रहे हैं और एक शब्द के साथ हम एक शब्द का कितना स्पेस है है अगर साथ में हम डिस्क्रिमिनेट uh, नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा प्रोनंसिएशन पूरी तरह से गलत होगा जो हमने इसकी पहले बताया है कि, कि ऐसा uh, होना जरूरी है नेक्स्ट है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड To next hai, jo, uh, hai, ability to नेक्स्ट है जो इसके बाद प्रीरिक्विजिट्स है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अंडर मीनिंग ऑफ वर्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड यानी हम जो शब्द है उसके अर्थ को हमें समझ में आना चाहिए अगर हम ऐसे प्रोनसी कभी कभार हमारा ऐसा ही कहते हैं जैसे हमने न्यूज़पेपर उठा लिया न्यूज़पेपर उठा लिया तो हमारी रीडिंग अगर हम कर रहे हैं ऐसे शब्द हमें मिलेंगे जिनके हमें अर्थ नहीं आता है और अगर इसी तरीके से अगर हमें वाचन करना है तो वो पूरी तरह से कंप्लीट रीडिंग के फॉर्म में नहीं आता है जब तक हम पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाते ऐसा भी होता है कि हम जिस पेपर में जैसे इसमें होता है कैपेबिलिटी uh, जो uh, जिसको कहते हैं आप लैंग्वेज uh, में हम लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस तो लैंग्वेज कॉम्फिडेंस जिसमें बहुत बेटर होगा उसमें हमें समझ में आता है कि शब्दों की मीनिंग क्या है जैसे हमारा अगर हम हिंदी भाषा ही है तो हमारी हिंदी पे कॉम्फिडेंट बहुत बेटर होगा हम उनके शब्दों को समझ पाते हैं इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं होते अगर उतने कंप्लीट हमें नहीं आया तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट क्या होगा इंग्लिश की कम है तो वहाँ पे क्या होगा कई सारे शब्द ऐसे होंगे जिसकी समझ में कम होगी तो अब अगर हिंदी और इंग्लिश का अगर हम इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि हमारा रीडिंग स्किल सबसे बेटर कौन से लैंग्वेज में होगी हिंदी में होंगी उसके बाद अगर हम कहेंगे तब तो इंग्लिश में होगी और उसके लिए सबसे बुरा फॉर्म हो सकता है अगर मराठी में है गुजराती में है, जिसके लिए हम अनोन है तो हम उसका वाचन नहीं कर पाएंगे तो ये यहाँ पे दिखाता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड ये बहुत जरूरी है कि शब्दों की समझ हमें होनी चाहिए फिर नेक्स्ट है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड हैव टू बी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड हैव टू बी हैव टू बी रीड लेफ्ट टू राइट जैसे हम लोग जानते हैं लेफ्ट टू राइट जब हम वाचन करते हैं इस तरीके से रीडिंग करते हैं तो हम कैसे करते हैं बाएं से दाएं की तरफ हम करते हैं ये हम उस पर हमारा ये बातें नहीं। लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम ये होता है हमारा फॉर्म मोस्टली ज्यादातर भाषाएं एक हम इसमें हो सकता है उर्दू उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है जो राइट टू लेफ्ट चलेगा और बॉटम टू टॉप पे जाता है लेकिन यहाँ पे हम जब हम बाकी सभी भाषाएं अगर हम बात करें तो मोस्टली ये है लेफ्ट टू राइट का और टॉप टू बॉटम ये हमारी समझ होनी चाहिए कि हमें पढ़ रीडिंग कहाँ से करनी है वो uh, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं नेक्स्ट uh, इस पर हम um, uh, जाएंगे नेक्स्ट दूसरा जो हमारी पूर्व आवश्यकता है इसके बाद वो है Ability to uh, identify written word automatically, ability to identify written word automatically, ability to आइडेंटिफाई रिटर्न वर्ड ऑटोमेटिकली इन गिवेन इन गिवेन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्सट यानी जो जो या कंटेंट कह सकते हैं विषय वस्तु जिस संदर्भ में बात हो रही है यहां पर हमने कहा एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रिटर्न वर्ड यानी अगर कोई वाक्य हम लिख रहे हैं तो हम उसमें उस शब्द का हमें पूरी तरह से पहचान होना चाहिए कि जो गिवेन टेक्स्ट है जहाँ पे जिस संदर्भ में है उसमें उसका क्या अर्थ होगा हम इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ अलग अलग होता है सपोज अगर हम बात करें ऐसे शब्दों का कभी जहाँ पे जैसे सोने की बात हो सोना एक धातु के रूप में होता है और सोना एक होता है जो हम सोते हैं स्लीपिंग है अब दोनों के अर्थ अलग है तो यहां पे सबसे अच्छा उदाहरण इसका आता है कि यानि जब कहीं पे अगर इसकी बात हो रही है, हमें काम करने के बाद हमें सोना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो काम करने का काम करने के बाद यानी क्या हुआ तो उसको इसकी क्या जरूरत है जब अगर ऐसे वाक्य में सोना लिखा हुआ है यानी आपको ये समझ होनी चाहिए यानी काम करने के बाद उसको थकान होगा तो यहां पे वो वाला सोना काम नहीं करेगा कौन सा सोना गोल्ड जिसकी धातु की जो बात कर रहे हैं काम करने के बाद हमें सोना पसंद है तो सोना पसंद है यानी यहाँ पे जो सोने का अर्थ है वो स्लीपिंग से है और अगर हम करें कि हमें धातुओं में सोना ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पे क्या है वो सोने की बात हो रहा है जो गोल्ड है धातु है तो कहने का यहाँ यही पे हमारा तात्पर्य है हम जो जो वाचक है जो वाचन कर रहा है उसको इतना अच्छा समझ होना चाहिए कि इस संदर्भ में इस शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो वाचन स्किल प्रभावित होगी और हम समझ नहीं पाएंगे कि इस इस कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द का क्या अर्थ है और ना तो वो मीनिंगफुल होगा तो कहने का तात्पर्य है जिस संदर्भ में उस शब्द का बात चर्चा या चर्चा हो रही है हमें उसके अर्थ को उसी संदर्भ में जानना जरूरी है ठीक उसके बाद अप्लाई सुप्रा सेगमेंटल ऑस्पेक्ट अप्लाई एप्रोप्रिएट सुप्रा सेगमेंटल ऑस्पेक्ट सुप्रा सेगमेंटल ऑस्पेक्ट क्या है पहले ये जान ले सुप्रा सेगमेंटल ऑस्पेक्ट्स में हमारे जिसमें इंटोनेशन फ्रेज स्ट्रेस जब हम कोई चीज बोलते हैं तो हमारा एक रिदम में होता है रिदम ही हमारा है सुप्रा सेगमेंटल ऑस्पेक्ट यानी वाचन का एक तारतम्य होना चाहिए कोई भी कॉन्टेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं रीडिंग का तो रीडिंग का एक कहाँ पे हमें उतार कर चढ़ाव होता है इसकी समझ हमें होना चाहिए तभी हमारा वाचन अर्थपूर्ण होगा इन द सेंस जैसे अगर हम आ, आ, इसके पढ़ने की एक ही वाक्य में अगर हम लें कि अगर कॉमा पे जैसे एक एग्जाम्पल हो सकता है एग्जाम्पल जैसे रोको मत जाने दो अब अब हमें बोलना रोको मत जाने दो इसमें हमें ये अर्थ समझ में आता है कि रोको के बाद मैंने एक स्टॉप लिया है पॉज लिया है उसके बाद मत जाने दो लिया यानी इनको रोकना है अगर हमने यही शब्द वही है अगर हम ये बोल दे रोको मत जाने दो शब्द यही चार आ रहे हैं अर्थ अलग अलग होंगे हमारा क्या बदल रहा है इन शब्दों इस शब्दों के वाक्य को अगर हम देखें तो हमारे पौज इसके अर्थ बदल देगा अगर हमने रोको मत जाने दो अगर कह दिया रोको के बाद एक पॉज लगाया तो यह हुआ कि सभी को हमें रोक लेना है छात्रों को हमें रोक लेना छात्रों को, रोक छात्रो को रोको मत जाने दो अगर हमने छात्र लगा लिया अब से समझ में आता है छात्रों को रोको मत जाने दो तो यानी रोक लिया गया अगर हम कहें छात्रों को रोको मत जाने दो तो यहां पे क्या हुआ रोको मत के बाद हमने एक पॉज लिया यही चीज यहां पे कहा गया है कि एप्रोप्रिएट सेगमेंटल ऑस्पेक्ट का होना वाचन में बहुत ही जरूरी है अगर ये नहीं है तो अर्थ का अलग अर्थ बन सकता है जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सकता अभी आपको एग्जाम्पल में यही बताया रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो शब्द वही हैं लेकिन हमने पॉज किस जगह पे लगाया ये चीज़ हमारा पूरे अर्थ को बदल दिया तो वाचन में सुप्रा सेगमेंटल ऑस्पेक्ट्स बहुत जरूरी है अगर ये नहीं है तो अर्थ को समझ पाना या चीज़ों को समझ पाना हमारे लिए कठिनाई होगा नेक्स्ट है इसका एबिलिटी टू रिकॉल जो लास्ट है एबिलिटी टू रिकॉल रिकॉल एबिलिटी टू रिकॉल यानी हमारे अंदर यह समझ होना चाहिए कि किसी चीज की अगर हम चाहें तो हमारे स्मरण शक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो चीजें हम समझ पा रहे हैं वो चीजों को जो चीज हम सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं उसका हमारे स्मृति में मेमोरी में हमारा भंडारण होना जरूरी है ताकि आवश्यकता पड़े तो हम इसका रिकॉल कर सकें अब अगर इसकी बात करते हैं रिकॉल की तो ये यहाँ पे जरूरी है। अगर हमारी रिकॉल करने की क्षमता नहीं है तो क्या होगा जो भी हमने पूर्व आवश्यकता में जितनी भी चीज़ें अगर रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो प्रोन्सीसों को अल्फ़ाबेट को नहीं समझ पाएंगे अल्फ़ाबेट्स को नहीं समझ पाएंगे तो हम उनके मीनिंग अर्थ को नहीं समझ पाएंगे ये कैसे हम समझ पाते हैं कोई भी शब्द सुना जो हमारे लिए नॉलेज में नहीं है कोई भी इंग्लिश का भी शब्द हम लोगों के सामने कभी कभार एक बार आया और नहीं आया और जब हमने उसको जाना कि इसका अर्थ ये है तो वो हमारे लिए हो जाता है पुनः उसी संदर्भ में आता है तो हम उसका रिकॉल कर पाते हैं कैसे कर पाए क्योंकि ये मेरे स्मृति में था मेरी याददास्त में था मैंने इसको जान लिया तो रिकॉल करने की क्षमता बहुत जरूरी है वाचन में अगर रिकॉल करने की क्षमता नहीं है तो क्या होगा हम शब्दों का वाचन या वाचन मेरा पूरा तरह से प्रभावित हो जाएगा हम उसके अर्थ को ही नहीं समझ पाएंगे अगर इसका एग्जाम्पल आते हैं बेसिकली अभी हम बात कर रहे थे जो हमारा पेपर रिलेटेड है स्पेशल चाइल्ड चाइल्ड हियरिंग को लेके अगर हम इनकी रीडिंग के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा फोकस करना है आपको समझना है कि वाकई हियरिंग इम्पेयर के लिए वाचन क्या है वाचन की बात अगर हम करें तो सबसे मेन जो हमने अभी बताया सुप्रा सेगमेंटल ऑस्पेक्ट्स हम यहाँ पे उनकी तारतम्यता को समझ पाते हैं कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूं आप लोग अगर समझेंगे हेयरिंग एम्पेयर चाइल्ड के लिए सुप्रा सेगमेंटल ऑक्स्पेक्ट्स बहुत ही डिफिकल्टी से हम किसी भी चीजों को उसको समझा सकते हैं या उस तारतम्यता को वो समझ पाएगा अर्थ को समझ पाएगा और उच्चारण के लिए तो बहुत ही कठिन है सुप्रा सेगमेंटल ऑस्पेक्ट्स के साथ उच्चारण करना एक हेयरिंग एम्पेयरमेंट बच्चे के लिए क्यों क्योंकि उसका लैंग्वेज अफेक्ट है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसन अफेक्ट होता है हम ये नहीं कहते कि नहीं आता हमारा प्रयास अगर बेहतर हो तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं वही है जब हम ऑडिट्री ट्रेनिंग की उसकी स्टेजेस लेते हैं कि कॉम्प्रीहेंसन लेवल पे है कि आइडेंटिफिकेशन लेवल पे है डिस्क्रिमिनेशन लेवल पे है कि कॉम्प्रिहेंसन लेवल पे है तो इन सब चीज़ों पर अगर हियरिंग इम्पेयर की हम बात करते हैं तो उनके वाचन की तो हमारे लिए उनके लिए वाचन कराने के लिए ऑडिटरी ट्रेनिंग के तो ये चारों स्टेजेस जो अभी हमने बताया कॉम्प्रिहेंशन ऑफ साउंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड और लास्ट है आ, जो कॉम्प्रिहेंशन एक फर्स्ट है अवेयरनेस सॉरी फर्स्ट हमारा है अवेयरनेस ऑफ साउंड फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ साउंड कॉम्प्रिहेंशन जो होता है लास्ट का है जो हमने बताया फर्स्ट ही बताया था रीडिंग का क्या मतलब है रीडिंग इज अ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट ये उनके लिए डिफिकल्ट होगा कॉम्प्रिहेंशन करना तो को जानना उनके लिए कठिनता होती है दूसरा उनके लिए सबसे कॉम्प्रिहेंशन में होता है है को समझ पाना उनके लिए डिफिकल्टी क्या है वाचन में वाचन हमने बताया कि वाचन तभी कंप्लीट होगा हम शब्दों का उच्चारण ऐसे कर लें वो कंप्लीट वाचन नहीं होगा हमने इंग्लिश पेपर लिया पढ़ लिया पढ़ दिया लेकिन हमारे शब्द तो प्रोनाशिएशन हमने कर दिया लेकिन अगर हम उन शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं उस गिवन कॉन्टेक्स्ट में वो जो शब्द लिखे गए हैं उसको अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तब वो वाचन पूरी तरह से हम कह नहीं सकते कि ये वाचन कंप्लीट है कंप्लीट तब होगा जब हम उनके शब्दों के अर्थ को समझ पाएंगे ऑप्शिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑप्टिक कॉन्सेप्ट होते हैं अलंकारिक जो हमें आ, ऐसे शब्द जैसे अगर हम कहें आ, आपका चेहरा सूरज के समान चमक रहा है अगर एक को इसकी कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए दे दिया जाए तो शायद उस सूरज के तेज को और उसके चेहरे को मिलान कर पाना यह अलंकारिक शब्द है उसके लिए टेढ़ी खीर होगी बच्चों के सामने कह दे समय बहुत मूल्यवान है हियरिंग इंपेयर्ड के लिए एक नॉर्मल बच्चा अगर है यह शब्द लिखा है समय बहुत मूल्यवान है इसका वाचन अगर करना पड़े एक नॉर्मल बच्चे को वो समझ पाएगा नॉर्मल इन द सेंस नॉन इम्पेयर्ड जो हियरिंग इंपेयर्ड नहीं है नॉन इंपेयर चाइल्ड की बात कर रहा हूं अगर वो लिखा है समय बहुत मूल्यांक है वो इसके अर्थ को समझ पाएगा अब हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसर जो बहुत जरूरी है अगर एक हेयरिंग इम्पेयर वाचन तो करेगा समय बहुत मूल्यवान है लेकिन समय यानी वो यही जानता है टाइम को लेके और मूल्यवान यानी पैसा और कीमत से लगाएगा शायद उसके अर्थ को समझ पाने में उसको डिफिकल्टी होगी तो हम यहाँ पे कर, बात कर रहे थे हेरिंग एम्पेयर्ड की कि एक हेरिंग एम्पेयर्ड के लिए ये जो प्री रिक्विजिट्स है हमें ये देखना है अगर हम इन प्री रिक्विजिट्स पर कमांड कर लें चीज़ों को हम कुछ स्टेज तक आएंगे अल्फाबेट समझा दो उसको शब्दों के अर्थ को समझा दो ये सब हो जाने के बाद तब जो हमारे प्रीक्विजिट्स में जाते आता है कि सुप्रा सेगमेंटल आस्पेक्ट्स को लाना फिर आ, ये जो है कि उस आइडेंटिफाई करना उस रिटेन शब्द को जो मैंने लिखा है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रिटेन वर्ड ऑटोमेटिकली इन द गिवन कॉन्टेक्ट यानी जो भी शब्द है जैसे अभी अभी बताया कि समय बहुत मूल्यवान है ये अगर शब्द लिखा है और हेयरिंग पेड को अगर समझना है तो उसे डिफिकल्टी होगी क्योंकि वो इनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल उनका इतना बेटर नहीं हो पाता कि हम उस शब्दों के अर्थ को समझ पाए बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बाद हम उनको ये चीज़ें समझा पाते हैं तो हमें ये जानना है कि अगर हम हयरिंग एम्पेयर की वाचन की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टी होगी तो डिफिकल्टी हमने उसी पे चर्चा की कि उनके लिए प्रोनन्शिएशन की डिफ़िकल्टी उतना नहीं मायने रखती जितना कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्ड आइडेंटिफाइड वर्ड इन गिवन कॉन्टेक्स्ट किसी भी वाक्य में शब्द के अर्थ को समझ पाना ये उनके लिए है खासकर अगर हम अमूर्त कल्पनाओं की बात करें मूर्त में तो वो होते हैं अमूर्त कल्पनाओं की बात करें तो वो ज़्यादा प्रभावित हो जाता है उनका वाचन तो वाचन एक स्वण बाधित के लिए इन सब चीज़ों पे अगर हम केयर करेंगे तो हम उनके हियरिंग एम्पेयर चाइल्ड के वाचन को कुछ हद तक सुधार कर पाएंगे आज के आ, कॉन्टेस्ट में हमारा ये था प्रीट्स ऑफ रीडिंग नेक्स्ट हम आपको इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम वाचन के प्रकार के बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टाइप ऑफ रीडिंग ओके थैंक यू